बोलभद्री विशाल भगवान की, वेद व्यास महाराज की। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र हैं सबकी रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय कम था, इसलिए गणेश जी को बुलाया गया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षणम लिखते ना उत्तृष्टे तो तथा श्याम लेख को हम। लिखते वक्त जो है मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ करके और चले जाते हैं उदास होकर के सरस्वती नदी के किनारे, और वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं। तब तक नारद मुनि का आगमन होता। नारद जी कहते कि भगवान तुम इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेद पुराणों की रचना की, तब भी ये चित्त जो है शांत नहीं हो रहा। तब नारद जी कहते कि जब तक तुम पीवते भागे वैतम रस मालयम, कि जब तक तुम भागवत रूपी उस रस का पान अपने भक्तों में नहीं बांटोगे तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिले। तो अंत में इसी स्थान में आकर के नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम ततो जय मुदी रहे। नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की। वेद व्यास प्राचीन मूर्ति, बड़ी वाली नई मूर्ति 96 की, भगवान विष्णु व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कैसे है वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी जो भक्तों की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी जाकर के दर्शन दे देते। बोल माँ के बिहारी लाल की। और ये वल्लभाचार्य है लास्ट में चंपारण छत्तीसगढ़ से, 11 वर्ष की बाल अवस्था में यहाँ पे आए थे 500 साल पहले। तो उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, सम्मू टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो नहीं थे, तो कैसे आए होंगे वो भी 11 साल की उम्र में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है फिर भी गाड़ी को छोड़ करके और यहाँ पे आने में फां शुरू हो जाता है। तो एक ही सूत्र को लेकर के वल्लभाचार्य यहाँ पे आए कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या मासमा पश्चिमे तटे सम्या प्रासति प्रोक्त और श्रीनाम शत्रुवर्धनम तस्मिन स्वास्थ्य में व्यासो बद्री संड मंडित है। कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्य प्रास नामक क्षेत्र हो, बेरी की झाड़ियाँ हो, वहीं पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए साक्षात दर्शन दिए वेद व्यास जी ने, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासु हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते तैत्र जीविना। ये आज भी अजर अमर है। ये विशाल पत्थर जो है ये व्यास जी की पुस्तक है, व्यास पोथी। इसको बाहर से देखोगे अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते, तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना। तो द्वापर में पूरी भोज पत्र थी, जब कलयुग आया पूरा पत्थर में अवतरित हो गया। तो जब बद्रीनाथ के अंदर भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजमान है वो स्वयं भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु जो है पत्थर की मूर्ति में विराजमान हो गए। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हो गया। बोल भद्रे विशाल भगवान की जय। वेद व्यास महाराज की जय।